वेस्ट इंडीज के साथ खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में शानदार प्रदर्शन। सीरीज में 3-0 से जीत के बाद अब भारत का मकसद वनडे सीरीज भी अपने नाम करना होगा। टीम इंडिया ने बारिश से प्रभावित मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। वेस्ट इंडीज ने 13 ओवर में एक विकेट गंवाकर 54 रन बना लिए थे, तभी एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। इससे पहले 6 ओवर में तेज बारिश के कारण मैच एक बार फिर से रोक दिया गया था, जिसके बाद ओवरों की संख्या एक बार फिर घटा दी गई है और मैच 40 से 40 ओवरों का कर दिया गया। लेकिन बारिश के कारण समय ज्यादा होने के बाद तीसरी बार ओवरों की संख्या घटाकर 34 से 34 ओवर कर दी गई। इससे पहले टाइस भी देरी से हुई और तब भी ओवरों की संख्या घटाई गई थी। पंत पर एक बार फिर रहेंगी नजरें। कप्तान विराट कोहली अपने पसंदीदा तीसरे नंबर पर उतरेंगे। केदार जाधव के 5वें या 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने की उम्मीद है और ये इस पर निर्भर करेगा कि ऋषभ पंत को फ्लोटर के रूप में किस क्रम पर उतारा जाता है। मध्य क्रम के एक अन्य स्थान के लिए दावेदारी मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर के बीच होगी। पांडे टी20 मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और समय आ गया है कि टीम प्रबंधन अय्यर को मौके देने पर विचार करे और देखे कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। वहीं भुवनेश्वर को आराम मिल सकता है, उनकी जगह मोहम्मद शमी टीम में होंगे। नवदीप सैनी भी डेब्यू कर सकते हैं। क्रिस गेल की होगी वापसी। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में वाइट ड्वाश के बाद वेस्टइंडीज को उम्मीद होगी कि क्रिस गेल की वापसी से टीम मजबूत होगी। गेल ने विश्व कप के दौरान घोषणा की थी कि भारत के खिलाफ घरेलू श्रृंखला उनकी अंतिम श्रृंखला होगी। श्रृंखला के लिए बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल, रोस्टन चेज और ऑलराउंडर टीमो पाल की वेस्टइंडीज की 14 सदस्यीय टीम में वापसी हुई है। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।